शेप, ग्लाइड किया इस बार, ऑन साइड में रन्स मिलेंगे, चौके के साथ शुरुआत यहां पर इस जॉश टिडल के ओवर की। कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से ये बॉल आ रही है, इस बार लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर दिया यशस्वी जायसवाल। फिर से छोटी गेंद, इस बार फिर से हवा में ये शॉट, और इस बार तो छक्का, मैच का पहला छक्का जायसवाल के बल्ले से। इस बार बैकफुट पे पंच किया, यहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, फायदा मिला यहां जायसवाल। ओहो, लेकिन यशस्वी बिल्कुल नए है, लेकिन ये आउट होगा। से लग रहा था कि टाइम बेहतरीन की इस गेंद को, लेकिन शायद लंबे बाउंड्री पे थे वो। छोटी गेंद थी, कोशिश सही थी, लेकिन अनलकी यशस्वी जायसवाल, और पहला विकेट आयरलैंड के लिए। जायसवाल 18, भारत 29 पर एक। तिलक वर्मा नंबर 3 पर, ये शॉट सही है, और इस बार हवा में, क्या ये क्लियर करेगा, क्या यहां पर भी फील्डर के हाथ में, और एक और यहां पर विकेट गिर चुका है। लगातार बैक टू बैक दो विकेट, पहला विकेट जायसवाल का, और इस बार फिर से वही गलती जो जायसवाल ने की थी, विकेट गिरा इस बार। तिलक वर्मा का छोटी गेंद, पुल करने का प्रयास, हवा में गेंद, और बहुत ही अच्छा कैच, बैरी मकाथी ने दूसरा विकेट लिया है अपनी टीम के लिए। तिलक वर्मा एक बना के आउट, इंडिया 34 पे 2। 24 मैचेस का अनुभव है संजू सैमसन को। कट किया, अच्छा शॉट, 4 रन मिलेगा। चलिए संडे के दिन ये चौका ले लीजिए आप, बेन वाइट जो पहचान है बल्लेबाज की। ये भी देखो शॉट, हमेशा जो शॉट मारते बॉल गैप में ही जाता है। इस बार शायद कांटेक्ट उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी गैप में कम से कम 4। यस, एक और चौका, 4 ले लीजिए आप संजू सैमसन के बल्ले से। 2 ओवर 26 रन, इनसाइड आउट संजू सैमसन, 4 रन और। इस बार भी मजबूत शॉट है, संजू सैमसन, स्टनिंग सैमसन। यहां पे 4 रन और मिलेंगे, संजू सैमसन की गाड़ी गति पकड़ चुकी है। शॉर्ट गेंद, इस बार उठा दिया है संजू सैमसन ने, बेहतरीन मैच। ये शॉट अच्छा लगाया है, और यहां पर रन आएंगे। फिर से अच्छा शॉट, ये जबरदस्त शॉट, यहां पर रन मिलने चाहिए अब, और ये अच्छा शॉट, ये भी कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, एक और छक्का। शॉट लगाया है, क्लिप किया है ऑफ द पैड, 6 रन पहले गेंद पर, बहुत ही अच्छी शुरुआत 20 ओवर की। इस बार एक और जबरदस्त शॉट शिवम दुबे का, एक और छक्का, बैक टू बैक 2 छक्का, और गजब शुरुआत इस 20 ओवर की। ओ हो, गजब का शॉट, ये कमाल का शॉट, रिंकू सिंह, ओहो, ही हैज अराइव्ड इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी, रिंकू सिंह। ओ, पर इस बार हवा में, टॉप एज, कीपर को आना चाहिए नीचे, कीपर तो नहीं, पर जो शॉर्ट फाइल में खिलाड़ी खड़ा था उसने ये कैच पकड़ लिया है, अच्छी गेंद डाली थी, ये कमबैक अच्छा रहा। रिंकू सिंह 38 बना के आउट। वाशी सुंदर 37वां मैच, गेंद इस पारी की, अच्छी गेंद, रन लेना चाह रहे हैं, रन आउट का चांस बन सकता है, पर एक रन पूरा कर ही लिया अंत में, जैसा यहां से लग। ये बेहतर है, अंदर लाए गेंद, लेकिन अच्छी टाइमिंग बालबोनी द्वारा, इस बार हाथ खोलने का मौका दिया बालबोनी को, अच्छी शुरुआत है, क्या ये मौका बन सकता है, और ये बढ़िया कैच, अर्शदीप सिंह बेहतरीन कैचिंग, कॉल करके कीपर जरूर आए थे, लेकिन बहुत बढ़िया कैच। कप्तान को जाना होगा वापस, 0-19 पर 1। लॉकन टकर 59वां मैच इनके लिए, 1000 से ऊपर रन बना चुके हैं। इस बार फिर से हवा में, क्या मिडॉन का खिलाड़ी नीचे आ सकता है कि नहीं, बहुत ही आसानी से ये कैच पकड़ लिया। ऋतुराज और शिवम दुबे के बीच में थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन था, पर अंत में सब कुछ सही घटा, दूसरा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा के लिए। लॉरेंटा का 0 बना के आउट।
इस बार शॉट सही है, कवर के ऊपर से, टाइमिंग उतनी अच्छी थी नहीं, प्रयास किया, हाथ में ऑलमोस्ट आ गई थी पर वो बॉल छिटक गई, ऋतुराज गायकवाड़ थे वहां पर। अच्छी गेंद डाली थी, ऑलमोस्ट फिर से फंसा लिया था इस बार टेक, और बोल्ड कर दिया इस बार, फिर से वही गेंद डाली यहां पर, फिर से गलती की टेक्टर ने और क्लीन बोल्ड कर दिया रवि बिश्नोई ने, तीसरा विकेट गिरा यहां पर आयरलैंड का, और एक विकेट भारत के लिए अब पावर प्ले में, हैरिक टेक्टर 7 बना के आउट, आयरलैंड 28 पे 3। कर्टिस कैम्फर पिछले मैच में अच्छी पारी खेली थी, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है यहाँ पे, गैप में है, यहाँ पे 4 रन भी हैं, थोड़ी हवा में गेंद दी थी ये, फिर यहाँ पर चौका मिला है, दूसरा लगाता है, दूसरा चौका यहाँ पर, बड़ा शॉट निकाला है इस बार, ऊंचाई काफी मिली है और लंबाई भी उतनी, अच्छा शॉट इस बार कनेक्ट किया है मकाथी ने, पर कनेक्ट किया है सीधा हाथ में रवि बिश्नोई के, पिछले मैच में अर्धशतक, इस मैच में 2 रन बनाकर जाना होगा वापस, बुमराह को पहली सफलता इस मैच में मिल चुकी है, मकार्थी 2 बना के आउट, आर्यन 126 पे 7, क्रेग यंग 56 मैच, अच्छा संपर्क हुआ है और सीधा स्टैंड में 6 रन, इस बार फिर से शॉट अच्छा लगाया है मार्केडेयर ने, और इस बार भी 6 रन से शुरुआत प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर में मार्केडेयर द्वारा, फिर से गति परिवर्तन, इस बार फिर से बल्ला चला है और फिर से बहुत ही अच्छा संपर्क, अच्छा संपर्क इस बार मार्केडेयर का, पर मुझे लगता नहीं है कि ये सीधा हाथ में गया है, विकेट इस बार मिला जसप्रीत बुमराह को, 8वां विकेट गिर चुका है आयरलैंड का, मार्केडेयर 23 बना के आउट और आयरलैंड 8 विकेट खोते हुए बाई में रन्स मिलेंगे यहां पर संजू सैमसन, 4 रन अंतिम गेंद पर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओवर समाप्त हुआ, पारी समाप्त हुआ और भारत ने यह मैच 34 रनों से जीत लिया है, 33 रन से यह मुकाबला जीत लिया है, दूसरा T20 मुकाबला भारत ने यह मैच जीतकर श्रृंखला अपने